फटाफट खबर में मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोमवार को जम्मू के जोरावर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रथम मुफ्ती अवार्ड फॉर प्रोबेबिलिटी इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली JNK पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की स्मृति में यह पुरस्कार दिया गया। राज्य के शीतकालीन जम्मू में सोमवार को यह अवार्ड लेने पहुंचे नीतीश कुमार के साथ BJP के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और JDU के संजय झा मौजूद रहे। शेखपुरा के शहीद अंकित राज सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। शव यात्रा में DM दिनेश कुमार और SP समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वंदे मातरम के नारे भी लगे। इससे पहले रविवार को शहीद का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। BSEB ने इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा के तारीखों का ऐलान कर दिया है। 11 से 15 जनवरी तक परीक्षा लिया जाएगा। इस बार नकलचियों पर नकेल कसने की विशेष तैयारी की गई है। अध्यक्ष आनंद किशोर ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि जिस तरह से इंटर के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई थी, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस बार परीक्षा कदाचार मुक्त परीक्षा ली जाएगी। बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर NSUI के छात्र आमरण अनशन पर बैठे। सोमवार को अनशनकारियों के समर्थन में NSUI के सैकड़ों छात्राओं ने हर हर महादेव चौक के पास NH 31 को जाम कर दिया। छात्रों का आरोप है कि 11 सूत्री मांगों को लेकर छात्र 4 दिनों से आमरण अनशन पर है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कॉलेज प्रबंधन उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रहे। इस बात से नाराज छात्रों ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला, हर हर महादेव चौक पहुंचा और टायर जला NH को जाम कर दिया। हमारी मांग पूरी हो, 11 सूत्री मांग में से अविलंब पूरी नहीं किया जाएगा बिहार सरकार से, तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एक घनघोर आंदोलन पे उतारू होगी। पटना में आश्रय अभियान फुटपाथ दुकानदार संघ द्वारा DM कार्यालय का घेराव किया गया। पटना निगम द्वारा रोजाना अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पटना नगर निगम द्वारा कोर्ट के आदेश के आलोक में राजधानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसे लेकर फुटपाथ दुकानदारों में खासा रोष दिखाई दिया। उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने में प्रशासन उन्हें काफी प्रताड़ित करती है। पटना शहर में एक भी दुकानदारों को उस अवस्थित जगह पे नहीं रहा दिया जा रहा है। प्रशासन बल और नगर निगम प्रशासन के द्वारा 200-250 के प्रशासन बल के साथ में सभी दुकानदारों के दुकान को उजाड़ी जा रही है। लंबे विवाद और जीरा के बाद पद्मावती से पद्मावत बन चुकी संजय लीला भंसाली की फिल्म को इस साल रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को लेकर राजपूत करणी सेना की आपत्ति अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन निर्देशक संजय लीला भंसाली और फिल्म के निर्माता इसके नाम को बदलने और फिल्म से पहले डिस्क्लेमर चलाने को तैयार हो गए हैं। अब तक फिल्म को 25 तारीख को रिलीज किया जाएगा, लेकिन संजय लीला भंसाली के लिए यह बड़ी मुश्किल है, क्योंकि साल के अंत में अगर वो अपनी फिल्म को रिलीज करते तो उनका सामना किसी मेगा स्टार से नहीं होता। उधर मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके के दादरपुर पुलिस लाइन के पास एक बस्ती में भीषण आग लगी हुई। गैस सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग में सैकड़ों घर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों की माने तो वक्त पर ही दमकल की गाड़ी को फोन किया गया था, लेकिन गाड़ी काफी देर से पहुंची। नतीजन 100 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। वक्त पर दमकल की गाड़ी नहीं पहुंचने से लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा देखा गया। लोगों ने जिला के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। Yeah.
दलसिंह सराय में प्रखंड प्रमुख रिंकी कुमारी 15 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी है। आपको बता दें, अनुमंडल के उजियारपुर प्रखंड कार्यालय में रिंकी कुमारी के नेतृत्व में आज सोमवार से जदयू किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कृष्णदेव सिंह, रालोसपा प्रदेश सचिव राम सेवक सिंह और महिला प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष स्वीटी प्रिया के साथ साथ कई कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठे। साथ ही आज की सभा की अध्यक्षता पंचायत समिति संघ के अध्यक्ष राम बाबू राय एवं संचालन राम भरोस राय ने किया। आपको बता दें कि बीडीओ संजीव कुमार को अविलंब हटाओ सहित 15 सूत्री को मांगों को लेकर यह हड़ताल की गई। बिहार के कई जिलों में प्रदूषित जल के कारण हो रही समस्याओं के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट को बताया कि राज्य के 9 जिले के जल में आर्सेनिक की मात्रा खतरनाक सीमा तक पहुंचा है। वहीं राज्य के कई जिलों में जल फ्लोराइड और आयरन की अधिक मात्रा से प्रभावित है। इसका असर सभी के स्वास्थ्य पर पड़ता है और घातक बीमारियों की संभावना होती है। आपको बता दें कि 4 सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई होगी। वहीं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 7,000 जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने सोमवार को मुकेश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई की। आपको बता दें कि लगभग 8 से 10 वर्षों से इन पदों को नहीं भरा गया है। जहां बड़ी संख्या में जूनियर इंजीनियर बेरोजगार बैठे हैं, वहीं राज्य विकास कार्य भी ठप पड़ा है। 2 सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई होगी। आपके शहर में पहली बार डिज्नीलैंड मेला, नगर भवन के पीछे अंबेडकर चौक बाजार समिति रोड बक्सर। जहां आप मनोरंजन के साथ साथ खाने पीने और खरीदारी का मजा ले सकते हैं। तो देर किस बात की, चले आइए डिज्नीलैंड मेला बाजार समिति रोड बक्सर। आदर्श गर्ल्स स्कूल बिहार सरकार द्वारा संपोषित एक ऐसा विद्यालय जहां लड़कियों की शैक्षणिक एवं मानसिक क्षमताओं का रखा जाता है पूरा ख्याल। मॉन्टेसरी से कक्षा 10 तक की समुचित एवं विशेष पढ़ाई की व्यवस्था। विशुद्ध मनोवैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है मॉन्टेसरी लड़कियों का विकास। तो देर किस बात की, कराए जल्द एडमिशन। हमारा पता है आदर्श गर्ल्स स्कूल, नया चक हेमनी चक पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9955537367। आपके शहर में लेकर आया मनोरंजन का खजाना डिज्नीलैंड। हैरत अंगेज खेल, रोमांच से भरपूर झूले, मनोरंजन की दुनिया में आपके लिए मौजूद हैं टोरा टोरा, कोलंबस, डांसिंग चेयर, साथ में अनेकों मनपसंद आइटम भी। आई केयर मैक्स बाय डॉक्टर MD अखलाक अंसारी। यहां सभी प्रकार के आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच होती है। यहां पे सभी प्रकार के आधुनिक मशीनों के द्वारा आंखों की जांच होती है। यहां पे रिफ्रैक्शन, सभी तरह की आंखों की जो दिक्कतें परेशानियां होती हैं यहाँ पे उपचार होता है। हमारा पता है आई केयर मैक्स, PP रोड बक्सर। फोन नंबर 9708267887। बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। रविवार को गया सबसे सर्द रहा। न्यूनतम पारा पिछले 24 घंटे में 6 डिग्री नीचे 2.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं भागलपुर का न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री रहा। आपको बताते चले कि मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले 3 दिनों तक शीतलहर से निजात नहीं मिलेगी और मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। रविवार को पटना में कोल्ड डे रहा। पटना शहर का न्यूनतम पारा आधा डिग्री लुढ़क गया और यह 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 16.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
जिले में कपकपाने वाली ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर के कारण शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार लोग ठंड की चपेट में आ रहे हैं। अभी ताजा मामला अररिया के जोकीहाट प्रखंड के सतबीठा गांव का है, जहां 5 महिला ठंड का शिकार हुई, जिसमें एक महिला को लकवा मार दिया है। जहां सभी महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहीं मरीजों के परिजनों का कहना है कि मरीजों के लिए अस्पताल में बेड और कंबल की सुविधा नहीं है। आपको बता दें कि कंबल और चादर नहीं दिए जाने के सवाल पर डॉक्टरों ने चुप्पी साध ली, जबकि सदर अस्पताल में ऐसे मरीजों के लिए कंबल के साथ हीटर की व्यवस्था की जानी चाहिए। सोमवार को समस्तीपुर के रोसड़ा बाजार में एक गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे गोदाम में आग लगी, वहीं मौके पर पहुंच 3 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। साथ में आपको ये भी बता दें कि गोदाम में अंदर घी और चीनी सहित अन्य सामान रखे जाने की बात सामने आ रही है, वहीं 50 लाख से अधिक के नुकसान की संभावना बताई जा रही है। बेगूसराय में पुलिस ने छापेमारी कर 6 अपराधी को विदेशी शराब, हथियार और 50,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि किराए के मकान में रहकर कुछ लोग शराब के अवैध कारोबार के साथ साथ अपराध की घटना को अंजाम देते हैं। इस सूचना पर पुलिस ने प्रोफेसर कॉलोनी के अनिल सिंह के मकान में छापेमारी कर राधा कुमार को 3 साथी के साथ गिरफ्तार किया। यहां से पुलिस ने 20 बोतल विदेशी शराब, 2 पिस्तौल, 10 कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किया है। सूचना पर रतनपुर थाना अध्यक्ष और लोहिया नगर थाना अध्यक्ष के साथ मिलकर के छापामारी की गई। वहां से 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उन चारों ने बताया कि यह डेरा जो लिए हैं, राजा कुमार लिए हैं और उनके साथ अभिनव कुमार भी है, जो मेन तिलोक का गैंग लीडर है। उस आधार पर हम लोगों ने पहले उनके घर से 20 बोतल शराब का मिला, 2 देसी कट्टा मिला, 10 कारतूस मिला है, 3 मोबाइल मिला और जो खदौनपुर में 2 पकड़े गए, हम लोग की सूचना पर 2 पकड़े गए वहाँ पर, उन दोनों के पास से मैं एक अभिनव कुमार के पास से 50,000 रुपए बरामद हुई है। उधर नरकटियागंज नगर परिषद कार्यालय के सामने वार्ड पार्षद ने कार्यपालक पदाधिकारी का पुतला दहन किया। आपको बता दें बीते दिनों नगर परिषद के बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि ठंड और शीतलहर के देखते हुए अलाव और कंबल की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन बैठक हुए 15 दिन हो गए और अभी तक ना अलाव की व्यवस्था की गई है और ना ही कंबल की, जिसकी वजह से कई वार्डों में ठंड से लोगों की मृत्यु हो गई। वही वार्ड पार्षद ने कार्यपालक पदाधिकारी को चेताया कि यदि 48 घंटे में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरे नगर में 100 यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी नगर प्रशासन की होगी। छपरा में दहेज के लोभी ससुराल वालों ने एक महिला की हत्या कर दी। घटना रिविलगंज थाना क्षेत्र के पचपदरा की है। बताया जा रहा है कि मृतका सोनी के भाई की शादी में एक मोटरसाइकिल मिला था। इसके बाद सोनी के पति अरुण मांझी लगातार मोटरसाइकिल दिलाने का दबाव दे रहा था। इसी क्रम में बीती रात सोनी देवी के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो बाहर गाड़ी से कहते रहन कि हम आम तो काट के मुँह दे हई कदम जहर दे देम फांसी लगा देम और कदम आयल हम 2 दिन भयल हम 2 दिन के बाद कहे ला मैंने टॉर्चर कर दिल ये मतलब कि तोरा भाई के ब्याह में मोटरसाइकिल मिलल बाकी तो आदमी हम कह जोड़ा पहनावे आओ अपन आके ले जाइए अथी करी तो जोड़ा पहनावे नहीं अलन कोई ना आयल तो अपने अपने से अथी भयल मोटरसाइकिल के डिमांड रहा। जहानाबाद में वैन पलटने से 4 घायल, घर के बाहर धूप सेकने के दौरान हुआ हादसा।
आपको बता दें ठंड की वजह से घर के बाहर धूप सेक रहे बच्चों पर बारूदी वैन पलट जाने से 3 बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। साथ में आपको ये भी बता दें कि यह घटना जहानाबाद के मखदूमपुर थाना के दामोदरपुर गांव की है। आनन फानन में ग्रामीणों ने घायलों को मखदूमपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से सभी को सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद से गाड़ी मालिक अर्जुन यादव और पवन यादव फरार हैं। शहीद राम गोविंद सिंह बालिका उच्च विद्यालय दशरथा में दहेज प्रथा एवं बाल विवाह पर निबंध प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता और शपथ समारोह का आयोजन किया गया। नौतन के बीडीओ शैलेंद्र कुमार सिंह ने बैरिया प्रखंड का प्रभार संभाला। प्रभार संभालते ही बीडीओ शैलेंद्र कुमार सिंह ने समिति सभागार में अंचल और प्रखंड कर्मियों की बैठक की। बैठक के दौरान 21 जनवरी को लगने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी पर विशेष चर्चा हुई और प्रखंड अंचल कर्मियों के साथ साथ जन प्रतिनिधियों ने भी कतारबंद लाइन में लगकर बुलंद नारों के साथ मानव श्रृंखला का अभ्यास किया। बाल विवाह बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला पुलिस कप्तान के निर्देश पर लगभग 20 बाइकों की जांच कर कागजों का अवलोकन हो रहा है। मझौलिया बाजार में बाइक की चेकिंग की गई, जिसमें 2 दर्जन बाइकों को पुलिस अपने गिरफ्त में रखकर यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2,000 की रसीद काटी। फटाफट खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।